Welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, today we continue with the synthesis, and we now come to join the sentences through coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना चाहते हैं तो देखेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसको हमने बता दिया है, इस पर वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप उसको देख लें। शॉर्ट में ये बता दें कि चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। पहला में ये होता है कि ये जोड़ने की बात होती है, प्लस करने की बात होती है, जोड़ना, ऐसे कंजंक्शन जो जोड़ते हैं, जोड़ना तो मतलब प्लस जोड़ने का मतलब जोड़ते तो सभी हैं, लेकिन जो प्लस करते हैं उनको उनको अंग्रेजी बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो जोड़ते हैं सेंटेंस में आए गए चीज को, वो जोड़ते हैं। जैसे अगर वो प्लेसेस हैं तब पर भी जोड़ते हैं, और नेम्स हैं तब पर भी जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने के क्रम में ये चीज़ ये बताते हैं कि पहले कामा, अगर दो दो से अधिक है तो कामा कामा, और लास्ट में एंड दिया जाता है। एंड जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है क्यूमुलेटिव का। एंड के अलावा एज वेल एज, इससे भी हम जोड़ते हैं, बोध से जोड़ते हैं, बोध मतलब होता है दोनों, बोध और बोध इसे भी जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसे भी जोड़ते हैं। नॉट ओनली के बाद ये कामा है, नॉट ओनली कामा मतलब ये थोड़ा सा गैप है इसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम इस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से हम जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, तो एक सेंटेंस लीजिए, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रेंच, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश एंड आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रेंच, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, I want to study English and French, ऐसे करके। He went to Calcutta, he went to Bombay, he went to Madras, इसको कैसे जोड़ेंगे, He went to Calcutta, Bombay and Madras, He went to Calcutta, Bombay and Madras, तो इस तरह से उसको जोड़ते हैं। जैसे एज वेल एज का भी इसी तरह से जोड़ते हैं, जैसे एज वेल एज का आप जोड़ें, कैसे जोड़ते हैं, ही एज वेल एज हिज फादर, ही वॉज देयर, हिज फादर वॉज देयर, ही एज वेल एज हिज फादर वॉज देयर, नहीं वह और उसके पिता दोनों थे, बोथ से बोथ, आई वॉन्ट टू बाई बोथ, आई वॉन्ट टू बाई बोथ ए नोटबुक एंड ए पेन, आई वॉन्ट टू बाई बोथ ए नोटबुक एंड ए पेन, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब ये नहीं बल्कि वो भी था, नॉट ओनली ही वॉज Not only he but also his father was there. Mohan ही नहीं बल्कि उसके पिता भी वहाँ थे, तो not only but also से भी
इस वाक्य को जोड़ा जा सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो एक हमने कल बताया था कि कंजंक्शन का हम सिंथेसिस का कई वीडियो बनाएंगे, आज सिर्फ हम आपको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से कैसे जोड़ते हैं इस पर वीडियो बना रहे हैं या इस पर जानकारी दे रहे हैं। तो हमने बताया क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है जो जोड़ता है, मैं ये करना चाह रहा हूँ वह करना चाह रहा हूँ, मेरा भाई ये करना चाह रहा वो करना चाह रहा, मैं वो किताब खरीदूंगा और वो भी खरीदूंगा और वो भी खरीदूंगा, दो तीन को भी करते हैं, तो कामा कामा एंड करके इसको लिखते जाते हैं, ठीक। और जो कॉमन चीज़ होता है उसको जो है ओमिट कर देते हैं, जैसे ही वॉज, अगर पॉजिटिव है तब ही वॉज ब्यूटीफुल, ना सर ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज क्लेवर, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज क्लेवर, ही वॉज इंटेलिजेंट और ही वॉज क्लेवर, अगर ये दो चीज है तो ये दो जो ये दो में है एक बार लिखते हैं, ही वॉज इंटेलिजेंट और यहाँ पर एंड है, बस खत्म हो गया। He was intelligent and clever. He was intelligent and clever. तो ये सरल है, आप इसको प्रैक्टिस करके जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना, क्यूमुलेटिव मतलब होता है जोड़ना। अब एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव, एडवर्जेटिव का मतलब होता है कंट्रास्ट, एडवर्जेटिव कंजंक्शन। एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो कंट्रास्ट बताते हैं, कंट्रास्ट मतलब होता विरोध बताते, कंजंक्शन। इससे हम कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे अगर कहें कि सी इज रिच, सी इज रिच, और एक सेंटेंस और सी इज अनहैप्पी, सी इज unhappy। तो इस तरह के सेंटेंस को तो हम एंड से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दो एडजेक्टिव को ही जोड़ना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है सिमिलर नहीं है, जैसे हमने बताया क्लेवर और इंटेलिजेंट ये तो पॉजिटिव है, और इसमें जो है ये एक रिच है और दूसरा अनहैप्पी है, तो जब कंट्रास्ट होता है तो हम उसमें जो इसमें सबसे मेन कंजंक्शन ये मेन कंजंक्शन वो है बट, बट, बट। तो सी इज रिच, सी इज रिच बट अनहैप्पी, सी इज रिच बट अनहैप्पी। तो अब यहाँ पर सी इज रिच अगर एंड से जोड़ देते तो क्या अच्छा नहीं आता, मतलब जो है नहीं आता। मेरे कहने का मतलब जो रिच है, रिच का मतलब होता है कि हैप्पीनेस, रिच स्टैंड फॉर हैप्पीनेस, या रिच इज इंडिकेटिव ऑफ हैप्पीनेस ऐसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, वो धनी है लेकिन खुशहाल नहीं है, ये चीज़ है, वो धनी है और खुशहाल नहीं है, ये अच्छा, ये सटीक सेंटेंस नहीं होगा, तब यहाँ पर जो है बट का प्रयोग होता है। बट जो है वो एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जिसमें विरोध होता है, कंट्रास्ट होता है, तो या तो सेंटेंस में खुद ही कंट्रास्ट हो, या तो शब्दों में कंट्रास्ट हो,
जैसे एडजेक्टिव लिखा है, ये दोनों में कंट्रास्ट है। जैसे अब इस तरह से भी सेंटेंस होते हैं, जैसे एक आदमी कुछ कर रहा है और दूसरा आदमी कुछ कर रहा है। जैसे गीता इज रीडिंग, गीता इज रीडिंग, हर सिस्टर इज प्लेइंग, हर सिस्टर इज प्लेइंग। तो अब ये देखो कि ये जो एक दूसरा काम कर रहा है और एक दूसरा काम कर रहा है, खेलना और पढ़ना दोनों में अलग अलग चीज है। तो ये वाकई जो है कंट्रास्ट है, वाकई कंट्रास्ट है कि जो खेलता है वो पढ़ने का काम नहीं करता। जैसे रीडिंग नीड्स कंसंट्रेशन, ह्यूज कंसंट्रेशन, लेकिन पढ़ाई में कोई जरूरी, खेलने में कोई जरूरी नहीं है उतना कंसंट्रेट करे। तो ये मिला जुला करके ये कंट्रास्ट वाला एक और जो है कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, वाइल। वाइल मतलब होता है जब, जब, या रियलाइज भी कर सकते हैं, रियलाइज जहाँ की है जब। तो वाइल का प्रयोग आप कर सकते हो। तो जैसे गीता इज रीडिंग वाइल, यहाँ पर वाइल वाइल हर, यहाँ इस नॉन से हर सिस्टर इज प्लेइंग। तो इस तरह से ये दो कंजंक्शन आप याद रखेंगे एडवर्जेटिव कंजंक्शन ने, जो विरोध बतलाता है। तो अच्छा, और इसके बाद एक कंजंक्शन और है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन तब होता है जब हम हमारे सामने विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, यह नहीं तो वह, यह नहीं तो वह, विकल्प ऑप्शन जब होता है, ऑप्शन विकल्प होता है, हम यह नहीं करें तो वो करें, वो नहीं करें तो वो करें। तो इसमें जो कंजंक्शन होते हैं, जो विकल्प वाले कंजंक्शन होते हैं, इसमें आइदर आर, आइदर आर, नाइदर नॉट, और वास, या एल्स भी कर सकते हो, नहीं तो। तो ये जो है, अच्छा कभी कभी देखते हो कि यहाँ पर लोग बोलते हैं ईदर आर नीदर आर, तो ये भी ईदर आर नीदर आर भी है, ये भी सही है। ये लेकिन जो आइदर आर है नाइदर आर, यही ब्रिटिश इंग्लिश है, और नीदर और ईदर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है। तो आजकल दोनों प्रयोग हो रहे हैं, विशेषकर चर्च वगैरह में ईदर नीदर बोलते हैं, और बहुत जगह अपने जो है वो कन्वीनियंस के अनुसार बोलते हैं। तो इसको इसका मतलब होता है कि न तो यह और न तो वह, या तो यह या तो वह। तो जैसे दे नाइदर रीड नॉट राइट, दे कैन नाइदर रीड नॉट राइट, दे कैन, दे कैन, वे न तो पढ़ सकते हैं या न तो लिख सकते हैं, दे कैन नाइदर रीड नॉट राइट। इसको ठीक से लिखिए, दे कैन नाइदर रीड नॉट राइट। तो यहाँ ऑप्शन जो है रीड राइट में है, ऑप्शन में दोनों में कोई नहीं है, दे कैन नाइदर रीड नॉर, ये इसको ऑप्शन नहीं कहेंगे, सॉरी
इसको कहेंगे अल्टरनेटिव कह सकते हैं, अल्टरनेटिव। ऑप्शन दूसरा कुछ सेंस निकल जाता है, इसको अल्टरनेटिव कहते हैं, इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। जैसे आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफी, आई प्रीफर टी, आई प्रीफर कॉफी, तो इसको जोड़ दो, किससे जोड़ दो, आर से जोड़ दो, आई प्रीफर टी और ऐसे, इसको आई प्रीफर, इसमें तो दूसरा चीज बन जाएगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी, टी टू कॉफी, ये हो गया। अच्छा आई टेक आई दैट टी, टेक टी, टेक टी और कॉफी, ऐसे भी चाय हो या कॉफी, टेक टी और कॉफी, तो इसमें अल्टरनेटिव व्यवस्था है, आप चाय लीजिए या कॉफ़ी लीजिए, यहाँ तो अपने पसंद करने की बात की, टी से कॉफ़ी पसंद, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, तो ये तो कुछ अलग चीज़ हो गया, लेकिन इसके ये यहाँ पर है कि टेक टी और कॉफ़ी, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन के द्वारा भी हम जोड़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। और एक होता है इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन में वजह बताते हैं, इलेटिव कंजंक्शन वजन क्या कारण है, वजन काज, काज इफेक्ट, जैसे इसमें कंजंक्शन जो होता है वो सबसे अच्छा कंजंक्शन फॉर माना जाता है, या सो माना, सो भी आप कर सकते हैं, सो कॉन्सिक्वेंटली भी लिखते हैं लोग, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब होता फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली, तो जैसे इट वॉज रेनिंग ही डिडंट गो टू स्कूल, इट वॉज रेनिंग ही, एक सेंटेंस हो गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इट वॉज रेनिंग सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बारिश हो रही थी अतः वो स्कूल नहीं गया, जैसे कॉन्सिक्वेंटली भी लिख सकते हैं, इट वॉज रेनिंग कॉन्सिक्वेंटली ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही वॉज इन सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। अब जैसे फॉर, फॉर का मतलब ही होता है, ये हम का प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ फॉर जो है वो कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है क्योंकि, जैसे ही विल डाई, वह मरेगा, ही विल डाई, फॉर मैन इज मॉर्टल, फॉर मैन इज मॉर्टल, फॉर मैन इज मॉर्टल, वह मरेगा क्योंकि आदमी मरणशील है, यहां फॉर का मतलब होता है क्योंकि, यहाँ फॉर जो है वो प्रीपोजिशन नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ फॉर का मतलब होता है क्योंकि, ही विल डाई, वो मरेगा क्योंकि आदमी मरणशील है, वो आदमी मरणशील है वो भी मरेगा, तो यहाँ फॉर मतलब होता है क्योंकि, तो जब अगर क्योंकि वजह कारण बताया जाए, जिसके तीन कंजंक्शन बताए हमने, फॉर सो और कॉन्सिक्वेंटली का प्रयोग कर सकते हो, तो इस तरह से हम इलेटिव कंजंक्शन से हम
वाक्यों को जोड़ते हैं। अब कल हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग होता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का होता है कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे। तो दो तीन वीडियोस हम बनाएंगे सिंथेसिस में, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल या कहीं भी है, तो इसका भी पोजीशन होता है, तो इसमें हम दो तीन वीडियो और बनाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।